हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो कैलकुलेटर को लेकर के है। कैलकुलेटर पर पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। तो टैली में दो तरह के कैलकुलेटर होते हैं। अब ये प्राइम यूज कर रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं। अब दो कैलकुलेटर कौन कौन से होते हैं भाई, तो देखिए जैसे ही आप वाउचर में जाते हैं, लाइक मैं यहां पे वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कर देता हूं, तो वी प्रेस कर दिया मैंने। अभी हम पेमेंट वाउचर में है, तो मान लीजिए कि यहीं पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हमें करना क्या है, देखिए अगर आप कैलकुलेटर को ओपन करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक मिल जाती है शॉर्टकट की। वो शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। ठीक है, क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल एन। तो यहां पे अगर मैं कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करता हूं तो नीचे देख सकते हैं ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है। लेकिन ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर क्या है और ये कैलकुलेटर क्या है। तो यहां पर अगर मुझे 5000 रुपए का, ये देखिए 6000 रुपए का, 6000 का अगर मुझे 4% कैलकुलेट करना है, तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं 6000 रुपए का 4%, तो यहां पे 240 रुपए आ रहा है। देख सकते हैं ये कैलकुलेट करके दे रहा है हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को फिल करना चाहें यहां पर, ये देख सकते हैं यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं, लाइक यहां पे आ गए, यहां पर मैंने यहां पर आ गया। अब देखिए यहां पे कोई भी क्रेडिटर पार्टी ले लेता हूं, अब ये यहां पे हीना से यही ले लेता हूं। अब यहां पर कुछ भी दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहां पर अगर मैं फिल करना चाहता हूं तो इस कैलकुलेटर के उपयोग से मैं फिल नहीं कर पाऊंगा, यहां पे अमाउंट नहीं फिल कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो अमाउंट भी फिल कर पाएंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करता हूं, इसको बंद कर देता हूं, यहां से बंद कर दिया। अब शॉर्टकट की आपको डालना है अल्ट सी। ये यही शॉर्टकट की आप यूनिट बनाने के लिए, लेजर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और अल्ट के साथ सी जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब यहां पर जो भी कैलकुलेट करना चाहते हो, लाइक यहां पे 10000 का 10% यहां पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो यहां लिखा 10000 × 10%। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो 10000 का 10%, 10000 का 10% यहां पे फिल होके आ गया है। देखिए आप यहां पे 10000 का 10% यानी 1000 रुपए यहां पे फिल होके आ गया है। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, अल्ट सी। क्या है, अल्ट सी। जैसे ही आप अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं तो देखिए यहां पर आप अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो गलती हो जाएगी, यहां पर लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पे रहते हुए अगर आप अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं तो यहां पर कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यानी आपको रहना कहां है, अमाउंट वाले कॉलम में रहना है और वहां पर आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आप मैनुअल कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर दीजिए और मैनुअल कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन होगा देखिए बताता हूं। यहां पे रहिए, अब अमाउंट वाले कॉलम से हमें हट जाना है, नीचे आना है। अब कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है, तो जैसे ही कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो दोनों तरह का कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, जैसी आवश्यकता आप वैसा काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।